बुरहानपुर जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने एक प्रसूता की जान बचाई। डॉक्टर पूनम सिंघाल ने बताया कि प्रसव पीड़ा होने पर महिला को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया था। जांच में पता चला कि गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच काफी खून भी बह गया था। करीब 2 घंटे तक ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने महिला की जान बचाई। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप मोजेस ने प्रसूता वार्ड पहुंचकर महिला का हालचाल जाना। छः बजे के लगभग पेशेंट आया था कि पहले ऑपरेशन से बच्चा हो चुका है, दूसरा बच्चा है और उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही है। तो जैसे ही देखा गया कि ब्लीडिंग हो रही है और बच्चे की धड़कन नहीं मिली, तुरंत हमको पता चला कि बच्चेदानी फट गई है। पेशेंट को पूरा काउंसलिंग करके उनके घर वालों को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लिया और तुरंत उसका ऑपरेशन स्टार्ट किया। पेशेंट में खून लगभग 2-3 ग्राम ही होगा, उससे ज़्यादा था नहीं। तुरंत खून की व्यवस्था की गई, 2 खून टेबल पे ही लगाए गए और ऑपरेशन किया गया। जैसे ही पेट खुला तो पता चला कि पेट में 2 से 3 लीटर खून है, बच्चा उसमें मृत और आवल वगैरह सब पेट में ही है। तुरंत सब निकाल के बच्चेदानी जो फटी थी उसको सिलने की कोशिश की गई और सक्सेसफुली सिल पाए। जैसे ही ये आए हमारे यहाँ के जो गायनेकोलॉजिस्ट टीम ने उसको देखा और ये जब देखा तो उनको ये लगा कि ये बहुत सीरियस केस है, जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जैसे भी बताया भी गया है कि एब्डोमिनल कैविटी जब खोला गया तो 2.5 से 3 लीटर कलेक्टेड ब्लड था वहाँ पर और पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में था।